हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर देना। तो गाइस, आज के वीडियो में हम 2024 की सबसे बड़ी मोस्ट अवेटेड मूवी स्मार्ट सिंकर का सीक्वल यानी डबल स्मार्ट, जो 2024 को 8 मार्च यानी शिवरात्रि के दिन रिलीज होने वाली है, जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है। जी हाँ, वही 5 लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म अभी से इतनी बड़ी हाइप खड़ी कर रही है कि शायद ये 2024 में सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म होने वाली है। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म के प्रोडक्शन हाउस में से लगातार नई नई अपडेट मिलती रही, जिसमें अभी अभी संजय दत्त के बर्थडे पर एक ऑफिशियली उनका फर्स्ट लुक दिखाया गया है, जो कि संजय दत्त की काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है और वो भी इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट खड़ी कर रही है, जो कि संजय दत्त भी इस मास मसाला मूवी में स्टार कास्ट में शामिल हो चुके हैं। और इस अपडेट की सबसे बड़ी बात ये है कि संजय दत्त राम पोचनानी की ऑपोजिट यानी सबसे बड़े विलन के रोल में दिखने वाले हैं, यानी इस फिल्म में बहुत ज़्यादा मास मसाला दिखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म में संजय दत्त का कैरेक्टर एक एक्शन पैक और पावर हाउस से भी बढ़कर बहुत बढ़िया मास मसाला वाला कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, जो उस कैरेक्टर का नाम बिग बुल के नाम से देखने को मिलने वाला है। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हाइप इसलिए खड़ी कर रही है क्योंकि पहली बार बॉलीवुड के खलनायक और साउथ के उस्ताद आमने सामने देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, जिसमें संजय दत्त बिग बुल के रोल में देखने को मिलने वाले हैं। संजय दत्त का बिग बुल वाला कैरेक्टर देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि शायद संजय दत्त एक CBI ऑफिसर यानी तो कोई बड़े बिजनेस में दिखने वाले हैं। संजय दत्त को शामिल करने के बाद फिल्म के डायरेक्टर यानी पूरी जगन्नाथ फिल्म में श्रद्धा कपूर और मीनाक्षी चौधरी को भी ऐड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हिंदी ऑडियंस में भी बॉलीवुड का एक अच्छा खासा टच मिल जाए। फिल्म ने अभी अभी मुंबई में एक बहुत बड़े एक्शन सीक्वेंस वाला शेड्यूल खत्म किया। मैं तो इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप में से कौन कौन इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में बताना। तो फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक चलो।